गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:30 और हम पहुँचे हैं पिछली रात को काजा। तो ये है होम स्टे का व्यू। ये जो जगह है इसका नाम है शेगो, जो कि काजा से 8 किलोमीटर पीछे है। और जो हमारा होम स्टे है वो है मेन रोड से कट के, मतलब 50 मीटर आगे है। जो वो पिछली वाली गाड़ी दिख रही है ना, इसके पीछे ही वो होम स्टे है। और ये है पलमो। आप लोग पलमो से पिछली रात को मिल चुके हैं और ये है पलमो के पार्टनर्स। हम जा रहे हैं होम स्टे से थोड़ी सी दूरी पर, एक नदी है उसे देखने, क्योंकि जो होम स्टे के ओनर है उन्होंने कहा था कि काफ़ी अच्छी जगह है, आपको देखनी चाहिए। तो हम जाके आते हैं। हमें मिले हैं यहाँ पे सीबक थॉन्स, जिसको किनौरी लैंग्वेज में बोलते हैं सुरसू और स्पीतियन लैंग्वेज में तीरकू। ये एक सुपर बेरी है, सी बेरी, मतलब इसकी जो बेनिफिशियल वैल्यू है पत्तियों से लेकर बेरीज तक बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और ओमेगा 367 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। जब हम पहुंच गए हैं जहां पे हम जा रहे थे, तो यहां का नज़ारा कुछ ऐसा है। गया? चलो, चलो। थोड़ी देर यहां पे रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो अभी हम जाएंगे। और ये है डाइनिंग एरिया जहाँ पे हमने कल खाना खाया था। तो कल तो यहाँ पे लोग थे तो मैं दिखा नहीं पाई, इस तरह का है। और अब हम ऊपर जाएंगे रूम की तरफ। ये है इवाना, जो कि मुझे देखते ही वापस चली गई। और हम अब जाएंगे अपनी रूम की तरफ जहाँ हम पिछली रात को रुके थे। ये रहा, और ये जाइना की पुरानी आदत पैरों में चिपकने की। ये है भैया का रूम, बिल्कुल साफ सुथरा। हमने तो बहुत ही गंद मचा रखा है अपने रूम पे। ये है पंडंग, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पंडंग उसे, जहाँ पे हमने तंदूर लगाया होता है और सर्दियों में हम जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और ये है तंदूर, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं मेलिंग। इन्होंने अभी इसे पाइप, मतलब जो चिमनी थी वो निकाल के रखा है, क्योंकि गर्मियां हैं तो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए तो अभी ये अनइंस्टॉल है। ये जो होम स्टे है टोटली मड़का है, मिट्टी का बना हुआ, इसीलिए ये होते हैं गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। Thank you.
का तीसरा रूम है। यहाँ पे भी सुबह तक थे गेस्ट जो कि चले गए हमसे पहले ही। अभी थोड़ा टाइम था, भैया गाड़ी को साफ कर रहे हैं, तो हम जो होम स्टे उसके पीछे वाले एरिया में आ गए हैं, साथ वाले एरिया में। और यहाँ से इस हैंडपम्प से गया है पानी का कनेक्शन होम स्टे के लिए जहाँ पे हम रुके थे। स्पीति एक डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। लोगों ने अपने पर्सनल स्पेस में अपने लिए पौधे लगा रखे हैं जो कि सर्दियों में उन्हें काम आते हैं जलाने के, और घर की सीलिंग्स में। जाने से पहले भैया गाड़ी चेक करवा रहे हैं क्योंकि पिछले कल जो ऑयल था वो लीक कर रहा था, तो अभी मैकेनिक है वो चेक करेगा, बताएगा, तब जाके हम आगे जाएंगे। आप सभी जब भी स्पीति आओ तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे ज़रूर स्टे करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह पे है और जो जिनका ये होम स्टे है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं नंबर और उनका नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। और हम अब जाएंगे पिन वैली, हमारी गाड़ी फ़िलहाल तो तैयार है, बाकी आगे की आगे देखेंगे। और जो मेन रोड से पिन वैली के लिए जो रास्ता कटता है और जो ये पुल है, इस जगह का नाम है अतरगो। ये पहला स्टेशन है जहाँ से होगी पिन वैली की शुरुआत। और ये जो नदी है ये है पिन पार्वती नदी, और ये रहा तेलिंग गांव के लिए पुल। बहुत ही खतरनाक पुल था ये, झूलता हुआ पुल। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग इस पर चल कैसे रहे हैं और साथ में अपने साथ जो जानवर है पशु वो कैसे ले जा रहे हैं। हम सिर्फ इस पर एक्सपीरियंस के लिए चलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कैसा लगता है, बट सीरियसली बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो मैं गई थी थोड़ा आगे तक, बट जिस स्पीड में गई थी उसी स्पीड में मैं वापस भी आ गई, क्योंकि ये पुल पूरा झूल रहा था और इसमें इतना गैप था बीच में कि नीचे देखते हुए मेरी तो सांसें ही रुक रही थी, तो हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की और मैं उसी स्पीड में वापस आ गई। और अब हम पहुंचे हैं गुलिंग गांव, और यहाँ से हम जाएंगे कुंगरी गोनपा। और ये अब हम पहुँचे हैं कुंगरी गोनपा, हमें वहाँ पे हमारे कोई नोन मिल गए थे तो हम उन्हें ही लेकर आए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था कुंगरी गोनपा का। और बोलते हैं कि ये गोनपा बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो बोलते हैं यहाँ पे जो भी आप कोई विश मांगो तो वो हो जाती है पूरी, बट उसके बाद आपको वापस यहाँ पे दर्शन के लिए आना होता है। बिलीव मी, बहुत ही अच्छा मोनेस्ट्री था ये। गोनपा मीन्स मोनेस्ट्री, क्योंकि मैं बार बार गोनपा बोल रही हूँ तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। और जब हम पहुँचे तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हुई थी, बहुत ही अच्छा सा माहौल था यहाँ का। कुंगरी गोनपा बहुत ही पुराना गोनपा है और ये निंगमा ऑर्डर का तिब्बतियन बौद्धिज्म से जो रिलेटेड है। पूरे स्पीति में ये इकलौता मोनेस्ट्री है जो कि निंगमा ऑर्डर से है।
ये पूजा शाम की पूजा थी जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और हम जाएंगे अभी और दूसरी साथ वाली जो पुरानी मॉनेस्ट्री है वहाँ पे। लाया जा रहा है यहाँ पे नमकीन चाय बटर टी, तो हम यहाँ पे चाय पियेंगे उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। जाने से पहले हम करेंगे मॉनेस्ट्री की परिक्रमा और उसके बाद जाके हम आगे जाएंगे मुद के लिए, मुद गांव जो कि पिन वैली का आखिरी गांव है। पिन वैली में छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं जैसे गुलिंग, कुंगरी, का, फुनसुक, मिक्किम, सगनम, खर, तोदनम, तीलिंग और फिर लास्ट में है मुद। उसके बाद होगा बाबा पास जो कि किन्नौर से पड़ता है, बाबा ट्रैक, बाबा स्पीति वाला ट्रैक वो। तो छोटे छोटे कई सारे गांव हैं यहाँ पे और सभी गांव देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं मुद और हम रुके हैं यहाँ पे तारा होमस्टे में। तो अभी हम यहाँ पे डिनर करेंगे और उसके बाद जाएंगे रेस्ट करने, सोने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा कैसा रहेगा। अभी हम जा रहे हैं अपने नोन के घर, मतलब एक लामा जी है जो कि हमारे पास आते रहते हैं, तो वह थोड़ी जान पहचान है उनसे। पिछले कल हम नहीं जा पाए उनके घर क्योंकि रात हो गई थी और पता चला कि उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो हम उन्हें रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे तो हम नहीं आए और हम सुबह उनसे मिलने आए। ये रहे बड़े लामा जी। और जो ये हमें पहना रहे हैं इसे बोलते हैं कथक्स और ये दिया जाता है ग्रीटिंग्स के लिए, जैसे वेलकम के लिए, और इन्होंने अभी हमें ये पहना दिया है तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट।
का पंठन मतलब तंदूर वाला एरिया, यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स भी लगा रखे हैं जो कि है जीरेनियम और यूनियम के प्लांट। मैंने ज़्यादातर लोगों के घर में यही प्लांट देखे हैं, जीरेनियम और यूनियम, क्योंकि जीरेनियम थोड़ा हार्डी प्लांट है तो मैक्सिमम लोगों के घर में यही है, विंडोज़ के पास लगा रखे हैं इन्होंने भी। और ये है इनका पूजा वाला रूम जिसको बोलते हैं छतगंग। ये है बड़ी लामा जी का पोता जिसका मूड मैंने ख़राब कर दिया था ये बोल के कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ी सी चिप्स दे दो, और उसके बाद से इस बच्चे का मूड पूरा ख़राब हो गया। लामा जी हमें लेके जा रहे हैं मॉनेस्ट्री दिखाने अपने गांव की, जो कि अभी ये नया नया ही बना है। और ये जायना ने चिपका दिया है अपने शूज़ में गोबर, तो हम आगे जाएंगे और दर्शन करेंगे, देखते हैं कि कैसा है अंदर से। वैसे ऑनेस्टी तो बहुत ही शांत और अच्छी जगह होती है, तो चलते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये जो भी बनाया है ये हाथ से बनाया गया है, ये है वुडन आर्ट जो कि है पूरा हैंडमेड। हम आ रहे हैं अब वापस काजा की तरफ, ये हमारा लास्ट डे है पिन वैली में। हम पिछली रात को पहुंचे थे और आज हम वापस जाएंगे काजा, और उसके बाद आगे का सफर रहेगा, तो अभी चलते हैं। तो हमें वापस में देखिए क्या मिला है, मरिग्लू क्योंकि अभी बन ही रहा था, और जो ये बना रहे थे वो भी एक नॉन थे, तो मैंने उनसे परमिशन ली और अंदर देखने के लिए आ गई। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें प्लास्टर हो रहा है, ये पूरा मिट्टी का है। बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत था, अंदर से भी अच्छा है, बाकी कंप्लीट होने के बाद पता नहीं हम कब आएंगे इसे देखने। ये बना है मिट्टी और भूसे के ब्रिक्स का, टोटली मिट्टी का है ये, तो ये गर्म होगा सर्दियों में भी। ये चला है काम प्रोसेस। ये वो ब्लॉक्स है जिससे ये ग्लू मड हाउस बना है, और ये ब्लॉक्स बने हैं भूसे और मिट्टी के मिक्सचर से। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को, और जुड़े रहें मेरे साथ अभी, क्योंकि स्पीति का काफ़ी सारा पार्ट हमने एक्सप्लोर करना है। तो मिलते हैं फिर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।